नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एंड स्पीकिंग। टुडे वी लर्न व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? दिस टेंस इज सेम एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कार्य कब से अथवा किस समय से हो रहा है यह बताया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस टेंस टाइम इज ऑलवेज कम्स विद से। इस टेंस में समय हमेशा से के साथ आता है। इन थर्ड पॉइंट, इन दिस टेंस टाइम्स इज ऑलवेज कम्स। इस टेंस में टाइम हमेशा आता है, तभी इसकी पहचान की जाती है। इन फोर्थ पॉइंट, इफ से इज नॉट कम्स विद टाइम देन इट इज़ नॉट अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर समय के साथ से नहीं आता है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर ही शी इट नेम के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इन दिस टेंस वी यूज सिंस फॉर टाइम। असल में सिंस का मतलब होता है जब से और फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन इस टेंस में हम दोनों का प्रयोग से के लिए करते हैं। यूज ऑफ सिंस, वी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम मींस डे टाइम डेट ईयर मंथ। अर्थात सिंस का प्रयोग हम दिन समय डेट साल और महीने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, 1965 से, जनवरी से। यूज ऑफ फोर, फोर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? वी यूज फोर फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे दो दिन से, पाँच घंटे से, कई वर्षों से, सेकंड से, मिनट से, घंटे से, महीने से। जहाँ पर भी इस बारे में बात की जाती है वहाँ फोर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फोर का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है। सिंस एंड फोर कैन बी यूज इन एनी टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड, वे दो घंटे से बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स। यहाँ पहले एग्जाम्पल में इट हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है, और समय के लिए सिंस मॉर्निंग का प्रयोग किया गया है। और दूसरे एग्जाम्पल में वे हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए डे का प्रयोग किया गया है, हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रतीक्षा है जिसके लिए वेट का प्रयोग किया गया है जिसके साथ आईएनजी लगाया गया है, ऑब्जेक्ट हमारा कर रहे हैं जिसके लिए फॉर द बस प्रयोग किया जा रहा है, और इसमें दो घंटे हमारा समय है जिसके लिए फॉर 2 आवर्स प्रयोग किया गया है। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं वाले वाक्य। इसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक घंटे से अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर एन आवर। सेकेंड, मोहन मंगलवार से दफ्तर नहीं जा रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस ट्यूजडे। इसमें पहले एग्जाम्पल में तुम हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए यू का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया गया है, प्लस बीन का प्रयोग किया गया है, नष्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके लिए वेस्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है, अपना और कर रहे हो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके लिए योर टाइम का प्रयोग किया गया है, से के लिए फोर का प्रयोग किया गया है, और एक घंटे के लिए एन आवर जिसका प्रयोग टाइम के रूप में किया गया है। और सेकेंड एग्जाम्पल में
मोहन हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है, नहीं के लिए नॉट बीन का प्रयोग किया जा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग है, ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है, से के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है और मंगलवार हमारा टाइम है जिसके लिए ट्यूसडे का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या वाले वाक्य। इसके लिए हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वह कई दिनों से स्कूल आ रहा है? हैज ही बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सर्वल डेज। इसमें क्या के लिए हैज का प्रयोग किया गया है? ही हमारा सब्जेक्ट है, बीन का प्रयोग इसके साथ किया जा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा कम है जिसके लिए आईएनजी लगाया गया है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर सर्वल डेज से के लिए फोर लगाया गया है और कई दिनों हमारा टाइम है जिसके लिए सर्वल डेज का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वह दो घंटे से यह पुस्तक पढ़ रही है? हैज शी बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। इसमें क्या के लिए हैज प्रयोग किया गया है? वह हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए शी का प्रयोग किया गया है, साथ में बीन का प्रयोग किया गया है, पढ़ रही है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी यानी रीडिंग का प्रयोग किया गया है, यह पुस्तक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए दिस बुक का प्रयोग किया गया है, से के लिए फोर का प्रयोग किया गया है और दो घंटे टाइम है जिसके लिए 2 आर का प्रयोग किया गया है। और लास्ट में आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अर्थात क्या प्लस नहीं वाले वाक्य, जिसके लिए हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर और टाइम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या नल 1 घंटे से नहीं बह रहा है? हैज द टैप नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर। इसमें क्या के लिए हैज का प्रयोग किया गया है? नल हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए द टैप का प्रयोग किया गया है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया गया है, प्लस बीन बह रहा है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके लिए रन प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है, से के लिए फोर का प्रयोग किया गया है, 1 घंटा हमारा टाइम है जिसके लिए 1 आवर का प्रयोग किया गया है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुम पिछले जून से वहाँ नहीं रह रहे हो? हैव यू नॉट बीन स्टेइंग देयर सिंस जून लास्ट। इसमें क्या के लिए हैव का प्रयोग किया गया? तुम हमारा सब्जेक्ट है जिसके लिए यू का प्रयोग किया गया है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, प्लस बीन का प्रयोग किया गया है, रह रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके लिए स्टे प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है, वहाँ ऑब्जेक्ट है जहाँ के जिसके लिए देयर का प्रयोग किया गया है, से के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है, पिछले जून हमारा टाइम है जिसके लिए जून लास्ट का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस में पास्ट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है। अगर आप मेरे इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।